हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बनाने वाले एक मिनी इन्वर्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। और भाइयों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये चक है, यहाँ पे मेरे यहाँ इसे चक बोलते हैं। और यार यहाँ पे आप देख सकते हो ये 12 वोल्ट 18 वाट का है। इसमें आप अगर आप 12 वोल्ट इनपुट दोगे तो 220 वोल्ट आउटपुट निकाल करके देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें एक स्विच भी है और 5-pin सॉकेट भी है और एक होल्डर भी है। ये आपको इजिली ऑफलाइन मार्केट में 50-60 रुपये का मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे हम पहले खोल लेंगे क्योंकि यार इसका जो प्लास्टिक है क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा चीप क्वालिटी का है। तो यहाँ पे इसे हम पहले खोल लेंगे और मैंने पहले से ही बोर्ड पे प्लस और माइनस बैटरी का लिख दिया है मार्कर से, और जहाँ से एसी वायर का जो आउटपुट है उसे भी लिख दिया, ताकि अगर इसे खोलने में वायर मुझसे टूट भी जाए तो मुझे पता रहेगा कौन सा वायर कहाँ पर कनेक्ट करना है। तो यार इसमें आप देख सकते हो ट्रांसफार्मर वगैरह सभी कुछ पहले से इंस्टॉल्ड है। इस पीसीबी पे आप डायरेक्टली इसे एक इन्वर्टर बना सकते हो। तो आप इसे एक मिनी इन्वर्टर ईजिली बना सकते हो। इसका जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर इसे हम बॉडी बनाने के लिए MDF बोर्ड का यूज करने वाले हैं। तो इसका साइज जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसी टाइप से आप बना सकते हो, और आप चाहो तो इससे छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग बॉक्स को बना सकते हो। और अब यहाँ पे हम कुछ LED का यूज कर रहे हैं, इसे हम इंडिकेटर के तौर पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो बड़ा लेग है वो प्लस और जो छोटा लेग है वो माइनस है। और इसी के साथ एक छोटा LED का भी यूज़ करने वाले, इसका भी जो प्लस है जो बड़ा लेग और माइनस है छोटा लेग। और यहाँ पे हम एक 5-pin सॉकेट लेने वाले हैं आउटपुट लेने के लिए। यहाँ पे हम दो IC का यूज करें, 7805 दोनों को पैरेलल कर देंगे। 1.5 एम्पीयर का समथिंग हमें आउटपुट देगा। इसमें 12 वोल्ट इनपुट देंगे और मोबाइल चार्जिंग का जो ऑप्शन उससे लगाने वाले। ये ओवर हीट होता है तो इसके लिए यहाँ पर हम हीट सिंक का यूज करने वाले। इसी के साथ कुछ यहाँ पे हम 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम बैटरी लेवल इंडिकेटर बनाने वाले हैं। और इसी के साथ नीचे के साइड से बेस में लगाने के लिए ये कुछ प्लास्टिक की लेग्स है, तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है इसे देखने में। और इसमें लगाने के लिए यहाँ पे स्क्रू भी आपको मिल जाता है, इसे आप इस टाइप से लगा करके और नीचे के साइड में लगा सकते हो। यहाँ पे हम दो स्विच यूज कर रहे हैं, SPST स्विच है। एक स्विच आपको 5 रुपये का मिल जाएगा। इसी के साथ एक छोटा स्विच भी हम यूज कर रहे हैं। आप चाहो तो नॉर्मल बड़ा स्विच यूज कर सकते हो। और बैटरी को चार्ज करने के लिए 12 वोल्ट फीमेल कनेक्टर का यूज कर रहे हैं। यहाँ से हम इनपुट इसमें देंगे बैटरी में। और इसी के साथ एक IN4007 नंबर का डायोड है और एक 5 वोल्ट USB पोर्ट है। इससे हम मोबाइल चार्जिंग का जो ऑप्शन है वो लगाने वाले हैं। और यहाँ पे अब हम 18650 लिथियम बैटरी का यूज करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 3 बैटरी का यूज करेंगे, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे हम 12 वोल्ट इसे बनाने वाले हैं। आप इसमें BMS जरूर से लगा लेना। और यहाँ पे आप देख सकते हो आगे वाला हिस्सा था और ये पीछे वाला हिस्सा है। इसमें मैंने पहले से ही कुछ कट लगा रखा है, तो यहाँ पे मैं बारी बारी कंपोनेंट्स को इंस्टॉल कर रहा हूँ। आप देख सकते हो मैं कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगा रहा हूँ। और यार हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो यहाँ पे ये जो LED है, यहाँ पे मैं एक लाइन से जो लगा रहा हूँ, तो यार ये बैटरी लेवल इंडिकेटर के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो 93.9% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, केवल 6% लोगों ने ही सब्सक्राइब कर रखा है। तो यार ये तो गलत बात है। आप वीडियो को देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? जब वीडियो देखना है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यार हाँ, वीडियो को शेयर भी जरूर करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सभी कंपोनेंट्स को इंस्टॉल कर लिया है। और यहाँ पे मैं अब सभी में ग्लू गन लगाने वाला हूँ ताकि यार इन फ्यूचर ये बाहर ना निकले। और यहाँ पे हमने सभी कंपोनेंट में यहाँ पे ग्लू गन लगा लिया है। और पीछे के साइड से यहाँ पे हम लगाने वाले हैं 5-pin सॉकेट, तो यहाँ पे इसमें आपको स्क्रू मिल जाते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे हम इसे लगा देंगे और स्क्रू की हेल्प से अच्छी तरीके से टाइटली यहाँ पे हम फिट कर देंगे। और यहाँ पे हमने एक और होल कर रखा है, तो यहाँ पे हम 12 वोल्ट फीमेल कनेक्टर लगाने वाले हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए। और इसे भी पीछे की साइड से यहाँ पे हम ग्लू गन से अच्छी तरीके से जाम कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 5-pin सॉकेट में जो स्क्रू था उसे निकाल लिया है। और इसे यहाँ पे हम सैंड पेपर से घिस कर इस पर सोल्डरिंग कर देंगे। आप यहाँ पे चाहो तो स्क्रू से भी वायर को टाइटली फिट कर सकते हो। और ये नीचे वाला बेस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें हम इस टाइप से बॉक्स को बनाने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो हम बॉक्स बनाने के लिए फेविकॉल का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे आप सुपर ग्लू का भी यूज कर सकते हो, ईजिली वो चिपक जाएगा।
और यहाँ पे इस टाइप से हम नीचे के साइड में लेग को लगाने वाले, हमने होल करके और स्क्रू से यहाँ पे टाइटली फिट कर लिया। और ये साइड वाला पैनल, इसमें मैंने कुछ होल कर दिया है क्योंकि यार अंदर में काफ़ी ज़्यादा हीट होने वाला है, मॉस्फेट वगैरह ट्रांजिस्टर वगैरह इजिली ठंडा रहेगा, इसी कारण मैंने इसमें होल कर दिया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे जो हमारा इन्वर्टर का प्लेट है उसे हमने इस टाइप से यहाँ पे लगा दिया, वायर को आउटपुट वाला जो वायर है उसे हमने सोल्डरिंग कर दिया डायरेक्टली 5-pin सॉकेट में। तीनों बैटरी को हमने एक साथ यहाँ पे टेप से चिपका लिया और इसका प्लस इसके माइनस में, इसका प्लस इसके माइनस में यहाँ पे हमने सीरीज में कनेक्शन कर दिया। काफ़ी ज़्यादा इजी है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस माइनस हमने आपस में कनेक्ट कर दिया तीनों बैटरी का और ये सीरीज में कनेक्शन इसका हो चुका है। यहाँ पे मैंने दो वायर जो मेन निकाल लिया और यार हाँ, इसमें BMS जरूर से लगा लेना ताकि ये ओवर चार्जिंग से बचेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे आपको मल्टीमीटर में वोल्टेज चेक करके दिखा दिया, 12 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है हमें। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हम बैटरी लेवल इंडिकेटर बनाने वाले हैं, चारों LED को सीरीज में कनेक्ट करना है इस टाइप से और यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस लगाना है। और यार हाँ, इसका जो सर्किट डायग्राम है वो आपको मिल जाएगा। तो ये रहा इसका सर्किट डायग्राम, आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो ट्रांजिस्टर लिया है 7805, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम दोनों को पैरेलल करने वाले हैं, फर्स्ट लेग में, सेकंड लेग में और थर्ड लेग में। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इसे कनेक्शन कर दिया है और इसका भी जो सर्किट डायग्राम है आपको मिल जाएगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इजीली बना सकते हो। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देख सकते हो ये जो हमारा मतलब चार्जिंग कनेक्टर है उसमें हमने डायोड को कनेक्ट कर लिया है इस टाइप से, और जो सिल्वर लाइन है वहाँ पे हम प्लस कनेक्ट कर देंगे बैटरी के लिए, और जो ब्लैक वाला वायर है वो डायरेक्टली कनेक्टर के ब्लैक पिन में यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे माइनस के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक वायर हमने और लिया है और स्विच का एक एक टर्मिनल आपस में कनेक्ट कर देंगे कुछ इस टाइप से, और इसमें हम प्लस इनपुट देंगे बैटरी का। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो छोटा वाला LED है उसमें एक 1 kΩ का रेजिस्टेंस लगा करके और USB पोर्ट में डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है प्लस माइनस। इसी के साथ यहाँ पे जो 7805 का आउटपुट था उसका हमने यहाँ पे आउटपुट में कनेक्ट कर दिया है, आउटपुट वायर जो है वो USB पोर्ट में। सो इस टाइप से, और अब आप यहाँ पर देख सकते हो जो चार्जिंग पिन है हमारा, जब हम चार्ज लगाएंगे तो एक LED ग्लो करना चाहिए जो कि रेड वाला है। यहाँ पर हमने इसे भी कनेक्ट कर दिया चार्जिंग पिन में डायरेक्टली। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो हम बैटरी लेवल इंडिकेटर का वायरिंग करने वाले हैं, तो जो प्लस वाला वायर है वो हम स्विच में एक जो टर्मिनल हमारा बचा हुआ है स्विच का वो कनेक्ट कर देंगे और माइनस डायरेक्टली बैटरी में। सो फ्रेंड्स ये जो हमने कॉमन किया था स्विच का एक एक वायर, तो वो जो ब्लू वाला वायर है उसे हम प्लस इनपुट देंगे। तो यार यहाँ पे जो स्विच है वो ख़राब था मेरा छोटा वाला, तो मैंने इसे चेंज कर दिया और वायरिंग सेम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, और मैं इसे आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, जो कि बैटरी लेवल का इंडिकेटर का जो हमने कनेक्शन वो कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस टाइप से ये ग्लो कर रहा है, चारों LED ग्लो कर रहा है, समझ लीजिए आपका बैटरी फुल चार्ज है। सो इस टाइप से अब हो गया कनेक्शन हमारा। और अब आप देख सकते हो जो ग्रीन वाला LED है उसमें भी हमने वायर कनेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे जो हमारा इन्वर्टर है उसमें हम इनपुट जहाँ देंगे प्लस में प्लस और माइनस में माइनस कनेक्ट कर लेंगे कुछ इस टाइप से। और अब जो प्लस वाला वायर है उसे हम स्विच में कनेक्ट कर देंगे एक स्विच में इस टाइप से, और फ्रेंड्स इसका जो माइनस वाला वायर है वो डायरेक्टली बैटरी में कनेक्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी हम स्विच ऑन करेंगे तो वो ग्रीन कलर का LED ऑन हो जाएगा और हमारा इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। और जो थर्ड हमारा बचा स्विच वो हम पावर बैंक के लिए, उसका भी हमने प्लस कनेक्ट कर दिया है इनपुट 7805 का। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ जो छोटा वाला LED है वो ग्लो कर रहा है। तो हमारा जो वायरिंग है पूरा रेडी हो चुका है, बस हमारा थोड़ा सा एक बैटरी का वायरिंग बचा हुआ है जो कि हमने फीमेल सॉकेट से कनेक्ट कर रखा है, तो उसे हम डायरेक्टली बैटरी के प्लस में प्लस और माइनस में माइनस। और यार हाँ, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पे आप BMS जरूर से लगा लेना, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं लगाया, बट आप लगा लेना क्योंकि यार अगर ये ओवर चार्ज से मतलब होता है तो बैटरी आपका ब्लास्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स इसे हम अच्छी तरीके से अब चिपका लेंगे। और यार हाँ, इसका लुक कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर से बताना है। सो फ्रेंड्स इसे हम इस टाइप से चिपका लेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इसे चिपका लिया। और अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने 9W का एक LED बल्ब लिया है, यहाँ पे आप डायरेक्ट चाहो तो मोबाइल का जो चार्जर होता है उसे भी लगा सकते हो पीछे 5-pin सॉकेट में। यहाँ पे मैंने किसी भी टाइप का होल्डर का यूज नहीं किया, नहीं तो बहुत लोग बोलेंगे कि यार वीडियो फेक है, आपने अलग से कोई वायर को कनेक्ट कर रखा था। तो यहाँ पर मैंने पहले एक एक्सटेंशन बोर्ड में वायर कनेक्ट कर दिया, AC लाइन इसमें आ रहा है, तो मैं पहले आपको डायरेक्टली AC लाइन पर चला करके दिखा देता हूँ उस LED बल्ब को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप से ग्लो हो रहा है,
और अब मैं आपको इन्वर्टर में ऑन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इन्वर्टर ऑन कर दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से ग्लो हो रहा है। वायर थोड़ा सा ढीला है, इसी के कारण ये थोड़ा सा मतलब ब्लिंक कर रहा है। बाकी बात आप इसमें अगर वायर डायरेक्टली लगाते हो होल्डर के थ्रू तो ये इजीली अच्छी तरीके से ग्लो करेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेकंड वाला स्विच है हमने यहाँ पे ऑन कर दिया। छोटा वाला जो इंडिकेटर है वो ग्लो कर चुका है। यहाँ पे आप डायरेक्टली मोबाइल का जो डाटा केबल उसे लगा करके और मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हो। और जो थर्ड वाला स्विच है हमारा बैटरी लेवल इंडिकेटर का है, तो इसे चार्ज कैसे करना है, यहाँ पे आप 12 वोल्ट का जो चार्जर होता है उसी से चार्ज कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं आपको चार्ज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इस टाइप से चार्ज करूँगा। पीछे के साइड से जो कनेक्टर है उसमें यहाँ पे इनपुट दूंगा। आगे वाला जो एलईडी है वो ग्लो कर चुका है, ये चार्ज होने लगा बहुत ही ईजिली तरीके से। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना है, मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।